शरद कुछ कुछ शरद शादी की बात है ना, दुल्हन रोती है, दूल्हे नहीं रोते। क्योंकि लॉजिकली शादी के बाद दुल्हन ससुराल आती है, लेकिन मेरी वाली तो ससुराल के बजाय मायके चली गई, वो भी भाभी के, वो भी गोवा, तो दूल्हा तो रोएगा ही ना। पापा जी, शरद चाचा रो रहे हैं ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये हेमंत क्यों रो रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ सोना चांदी भाभी, मैं तो बस कंपनी दे रहा हूँ। किसको? शरद चाचा को। किस में? रोने में। क्यों? क्योंकि है ना दीदी, चली गई है ना। कहाँ? गोवा। किसके साथ? लीजा भाभी के साथ। क्यों? क्योंकि लीजा भाभी जो है ना, उनकी मम्मी की खबर आई। क्या? कि वो गुजर गई। कैसे? एक मिनट हाँ, प्लीज संभालो, क्या हो रहा है ये? देखिए अब आना ऐसे तेज मार के गृह प्रवेश करेगी। ये यहाँ क्यों किया? ऐसे तो दरवाजे के और अंदर बाहर छोड़िए, लेकिन अभी क्यों की? आना कहाँ है यहाँ? आना तो एक महीने बाद आएगी ना। हाँ हाँ पापा, हो मैंने मेरी सोनू चांदू से प्रैक्टिस करवाने के लिए लगाया। किस चीज की प्रैक्टिस? वो पापा जी, मैं क्रिकेट में थोड़ी कच्ची हूँ ना, तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। बहू बेटा चलो 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 प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चलो चलो चलो। बाबा तू क्या गला दबाएगा इसका? क्या हो रहा है बेटा? क्या भैया, मेरी तो सुहागरात भी नहीं हुई है ना के साथ। काम कर, तू ऐना को पहले फोन कर। फोन पे कैसे होगी सुहागरात? अरे फोन पर सुहागरात बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं बोल रहा हूँ कि ऐना को ये फोन करे, उसे तसल्ली दे। अरे उसकी भाभी की माँ गुजर गई है, और वैसी हालत में इसे क्या पड़ी? इसे सुहागरात की पड़ी है। देखो इन दोनों को तो किसी की नहीं पड़ी है। ओए आ लकड़बग के, हर क्या हो रहा है? हाँ प्लीज आइए। क्या कर रहा है? प्लीज इन दोनों छोकरियों को उनके घर छोड़ाओ, वरना इनका बाप बोलेगा। आ झुमरू। जी साहब। ये हमारा फोन नजर नहीं आ रहा है, फोन कहाँ रख दिए हैं? जेब में टटोली। तुम सिखाओगे है ना? बिना मौसम का तरबूजा हमारी जेब में क्या कर रहा था? हाय के मैया, ये दादाजी का फोन यहाँ था? मिला। चलो लगाओ, जरा फोन लगाओ। किसको? अरे इतना मुश्किल से तो हीरा मोती नहीं है, चैन का सांस नहीं लेने दोगे तुम हमको? लेकिन साहब पूछना तो पड़ेगा ना कि किसको फोन लगाऊं? वही भौजी का जो बदकिस्मती से पति बन के बैठा है, बसंतवा। लगाओ उसी को लगाओ। देखो देखो देखो, यहाँ पर तो रिकॉर्ड अटक ही गई है, इनको तो ना। बेटा क्या कर रही हो? खड़ी खड़ी बाय बाय किए जा रही हो। रुक जाओ ना थोड़ी देर। अरे जाने को बोल रहा हूँ, तुम रुक। ठीक है मम्मी जी। हेलो हीरा मोती, तुम भी बैठ जाओ। कहाँ? यहाँ। कब? अभी। किस लिए? हम लोग बैठ के पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। बैठ के पकड़ा पकड़ी खेलेंगे, नया गेम। लेकिन मुझे तो खांसी है। तो मैं इसे खांसूंगी ना, मैं इसे पकड़ूंगी कैसे? तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो मतलब मैं आउट हो जाऊंगी? नहीं जी, फिलहाल यहाँ से आउट हो जाओ प्लीज। चलो बेटा चलो, बोल उठाओ। हेलो अगे मैया, इतना मीठा आवाज। ऐ झुमरू, हम तुमसे कहे थे कि भौजी के यहाँ फोन लगाओ, तुम लता मंगेशकर के यहाँ लगा दियो। भाई अरे नहीं, सच कह रहे हैं।
बहू जी, हम कह रहे थे कि वो हीरा मोती और सोना चांदी को ना बसंत बाबू के साथ भेज दीजिए। ठीक है ठीक है। अच्छा। अरे जल्दी कट कर दिया फोन, डोलना बाकी था ना। अरे और ऐसे क्या ऐसा ऐसे करके और डोलती ऐसे ऐसे सुनिए तो भाई साहब ने हीरा मोती और सोना चांदी के साथ आपको भी बुलाया घर पे। कल भी बात करनी है उन्हें। समार शराब हेमंत कोई टैक्सी बुलाओ। चल नहीं चल नहीं अब भी क्या, अब भी बाहर निकल, घर से निकल। भावना काकी जी ये क्या कर रही हैं आप? इतनी रात को वो बेचारी अकेली कहाँ जाएगी? वैसे भी इस पूरे इलाके में वही अकेली खूबसूरत जवान और भोली भाली है। तो बच्ची तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं जवान नहीं हूँ? मतलब क्या है तेरा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं बाबा, तू भी खूबसूरत है। लेकिन क्या है, तेरी थोड़ी उम्र ज्यादा होगी। अब क्या है बाबा, इतनी रात गए तू बाहर गई ना तो लोग डरेंगे, और ये बिचारी गई तो ये डरेगी। तो बेटर है बाबा तू जा, लोगों को डरा बजाएगा। तू क्या बैठा बैठा खाखरा खा रहे बा? चल वो था, तू भी निकल इधर से। चलिए वो चली। एक मिनट बा, पहले शांति से बता बात क्या है। बाबा किसने मेरा जीना हराम कर दिया है और तू मुझे पूछ रहे कि क्या हुआ? है ना शरद की शादी में मैंने 2 टन टमाटर का सॉस बनाया था। 2 टन मतलब 2 क्विंटल बा। अच्छा ना तेरा ना मेरा 20 किलो बस उतना तो बना ही था, उसमें से 15 किलो सॉस बच गया था। तो मैंने इससे कहा कि फटाफट बेचो.com पे ये सॉस सेल पे डाल दे। तो ये नालायक ने एक मिनट देख क्या देख, मेरी फोटो डाली मुझे ही सेल पे डाल दिया। टाकन कहीं की तो विदेश प्रदेश के पापा, मुझे पता था कि बाप बाद में मुकर जाएंगे, इसलिए मैंने बार बार क्लियर किया था कि सॉस को सेल पे लगाओ ना, सॉस को ना, सॉस को ना। तो बाप ने बोला कि अपनी सास को सेल पे लगा दे। अरे पर तेरी खुद की बुद्धि नहीं है, कोई ऐसा करता है क्या? क्यों नहीं, मेरे मगन मामा ने तो अपनी सास की तस्वीरें नीलामी में रखी थी बा। कुतुब मीनार वो खाली फोटोज थी। लेकिन मितेश प्रीतेश के पापा तस्वीरों में उनकी सास तो थी ना। जो जो। हेलो जी, एड मैंने ही दी थी। नहीं 6:30 बहुत कम है, नहीं पड़वाड़ेगा। देख देख बाबा ये मेरी सौदेबाजी कर रही है। हाँ वो सब छोड़, लेकिन भाव तो देख 6.5 लाख। नहीं नहीं 7 रुपए बहुत कम है। भावना काकी जी, लेट हर बी विद मी फॉर सुमी टू मी। लेट हर बी विद मी फॉर सम टाइम। ए भोजपुरी जिन्ना तमान, ताकीर ताकीर नालायक डकन कुमियून कुमियून। लेट अस गो। ए जुमरू। जी सर। अरे कौन बकलोल आदमी दरवाजा खुला छोड़ देता है, कोई भी ऐरा गैरा चला आता है। आओ हीरा मोती सोना चांदी बेटा। अरे वाह वाह, आओ आओ। घर में? किसके? अपने। कौन से बेटा? अपना यही घर है तो यहीं बुलाएंगे ना। लेकिन कल तो आपने फार्म हाउस में आने के लिए बोला था। वो इसलिए कि तुम फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। कब? एक काम करो, ये बैगवा अंदर रख दो, अब मिश्रा जी के घर में जाके ना हमारे अपने घर का तिजोरी ढूंढो। चलो काम पे लगो, जाओ जाओ। सोना चांदी बेटा तुम अब घर आ रही हो, कल तुम्हारा हारमोनियम का टेस्ट है ना। ये देखो टाइपिंग वाले मार्ट साहब कब से आके बैठे हुए हैं। मतलब सब वैसा है ना। रे गा मा पा धा नी, समझी? क्या हुआ? आज तक पूरा खानदान आपका टाइपराइटर नहीं देखा है क्या? नहीं नहीं
टाइपराइटर तो बहुत देखे लेकिन पहली बार किसी को टाइपराइटर पे हारमोनियम सीखते हुए देख रहा हूँ। इसलिए पापा जी सब कुछ बहुत इजी है, जब शादी करके मैं अपने घर आऊंगी ना तो अब सबको सिखा दूंगी। ये हारमोनियम एक बार आ जाए ना तो फिर पियानो सीखूंगी। ऐसे देखिए अब मैं दिखाती हूँ। दिख नहीं रहा है, बहुत दूर है ना। तो पास आ जाइए कि न्योता भेजे लाके फूफा जी बन के दरवाजा पे खड़े हैं। अरे आप तो हमारे होने वाले साला हैं। साला तो आधा घर वाला होता है, तो समझ लीजिए कि आधा घर आपका। मार साहब जिंदगी में एक बात हमारी हमेशा याद रखिएगा। जी एक बात याद रखना रोनी, ये चकुड़ी ज्यादा दिनों तक मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। बच्चों की मां बन गई है, अभी तक अक्कल नहीं आई उसे बेवकूफ कहीं की। कोई कितना बर्दाश्त करेगा, तू ही बता रोनी। अरे सब जाने दे। और तेरी सास की तबीयत कैसी है अभी? अरे बाप रे, सॉरी सॉरी हाँ। अब तेरी सास तो इस दुनिया में नहीं रही है ने? उनका क्रियाकर्म वो सब ठीक से हो गया? अरे एक मिनट चालू रखना रोनी, कोई दरवाजे पे आया है। बाबा दरवाजा खोल। ओहो बा, दरवाजा कितना दूर है, मेरा हाथ भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या दरवाजे का हैंडल लाके तेरे हाथ में दूं तब तू खोलेगा दरवाजा? वाह तू ही खोल, ते मजा आएगा। नालायक आलसी आलसी एक नंबर का। आओ आओ। हाँ बोलो। अब सास है ना? किसकी? अरे बाप रे, वैसे मुझ पे हीरा मोती का असर होने लग गया है। आपको किससे काम है बेन? आपसे। वो क्या है ना, फटाफट बेचो .com पे मैंने आपका एड देखा, लेकिन उसमें आपके बारे में डिटेल्स बहुत कम लिखी थी। मैंने सोचा खुद जाके मिल लेती हूँ। वैसे आप सताती तो है ना? है? बता दो बता दो। वो क्या है ना, मेरी माँ ना एकदम भोली है और मेरी भाभी एकदम नालायक, पूरा रोब जमाते उसके ऊपर। तो मेरे को ना एक सास चाहिए जो उसकी छाती पे बैठ के मुंह पीसे। वैसे तो है ना आप दिखने में ललिता पवार और मंत्रा दोनों के मिक्सिंग लगते हो। आपको शर्म नहीं आती है? ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख के मुझे खरीदने चली आई? अरे खरीदने आई क्या, खरीद चुकी हूँ मैं आपको 360 रुपए में। अरे? और आपकी बहू के साथ मेरी डील भी हो गई है। बाबा चकुड़ी गई आज। पाचक खाइए। डेढ़ दू बोरी रोज तबेला में खर्चा हो जाता है पाचक। पैसा सब इतना चाव से खाती है भाई। कहे घास फूस भी पचा देता है और दाल भात भी। आप कुछ बात करना चाह रहे थे ना मुझसे? अरे हाँ। अरे बाबू आप काहे खड़ा हो रहे हैं भाई? समर बाबू का जो बारात लाइएगा ना उसमें कम से कम 150-200 लोग लेकर आइएगा। 150-200 लोग? हाँ भाई। अरे इतने दोस्त यार रिश्तेदार तो होबे करेंगे ना, है? हम लड़की वाले हैं भाई, सेवा का मौका दीजिए, बस इतनी ही विनती है आपसे। सुनो बसंत घोटाला। ये तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। क्योंकि तब हम लड़की वाले थे, अब हम लड़का वाले। आपकी बहन लक्ष्मी ब्याह करके हमारे घर ही तो आने वाली है, तो सुनिए बराती में आदमी सब तो आईबे करेगा लेकिन 150-200 भैंसा भैंसी भी आएगा, तो उसकी सानी कुट्टी और भूसी। कौन है ये बच्चे? बकलोल, सब खाना है भैंसा का। और टेम्पररी तालाब का भी व्यवस्था होना चाहिए नहाने धोने के लिए, नहीं तो बारात उसी समय वापस। अब बैठी ना, खड़ा कहाँ है?
खड़े होने का काम तो हम लड़की वालों का है, आप तो लड़का वाले हैं। हम तो बस विनती कर सकते हैं। तो बसंत बाबू, जो बराती आएगा ना, साथ में अमेरिकन बैंड, डीआईजी, डीजे, हाँ वो भी सब लेते आइएगा, तो क्या है बच्चा सब में थोड़ा माहौल जम जाता है, अच्छा रहता है ना। और एक बात और बसंत घोटाला, जो तालाब का व्यवस्था होगा ना, उसमें जल नहीं होना चाहिए, तो गुलाब जल होना चाहिए, नहीं तो बारात वापस। बसंत बाबू आप खड़ा कहाँ हैं? बैठिए ना भाई, अब खड़े होने का काम हमारा है। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कब लड़के वाला हूँ और कब लड़की वाला हूँ। दरअसल मैं खुद ही लड़की। ओके मैया, मतलब मैं खुद ही लड़की वाला हूँ, इसीलिए तो समझा रहे हैं, लेकिन एकदम बकथोता नहीं सा बात करते हैं आप। मुझे भरा है क्या दिमाग में? आपसे ज्यादा अच्छी तो हमारी भैंसिया है भाई। एक बार में बात समझ जाती है कि दिमाग नहीं चलाना है, मुंह चलाना है। मुंह चलाती है ना, आप दिमाग चलाते ना मुंह चलाते पाचक। अंदरी अक्कल वगरनी, तेरा गला दबा कर तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी मैं। इतनी जालिम सास तो पूरी दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकती। माता जी आप चले मेरे साथ। एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं कुरियर में आती हूँ। तो क्या है, मुझे पैक वैक होना पड़ेगा ना। एक काम कीजिए, अपना एड्रेस लिखाती जाइए आप। देख ये भोजपुरी झीना तमान को देख, सबके सब मिलकर मुझे सेल करने पे तुले हुए। ओ बेन आले, तेरे 360 रुपए रख लेना, निकल। समझते क्या हो, जो ही नहीं बताने, देख लूंगी आपको। अभी एड देते रहते हैं, कुछ मालूम नहीं ना। ए, तू क्या मुझे देखेगी, मैंने तुझे अभी देख लिया, निकल मेरे घर से। बाटी, बाटी, क्या हुआ? मेरा हेमंत गिरा हुआ है। मम्मी, गिरा हुआ मैं पहले था, अब मैं उठा हुआ इंसान हो गया हूँ। अरे भैया, उठे हुए इंसान, इसके सर से तो खून बह रहा है। हाँ हाँ भद्रेश भैया, वही तो पूछने आई हूँ। भावना आंटी, ये सिर पे हल्दी कैसे लगाऊं? वर्षा एक काम कर, ओ हेमंत को जहाँ से खून निकल रहा है ना, ये तेरे हाथ में हल्दी है, इसे छुट्टी घा करके मार। ठीक हो जाएगा? हाँ। अरे थैंक यू भावना आंटी। हेमंत क्या खड़ा रहा, हटो 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 हटो, हेमंत थोड़ा दूर जा, हेमंत थोड़ा दूर जा। तीरंदाज, आप मजाक कर रही है? हाँ। बैठ जा। अरे ऊपर में। हम अभी आंटी सेप्टिक लोशन लेके आते हैं। क्या? एक मिनट। एंटी सेप्टिक लोशन। ओ भगवान! ये लो लगा। माफ कर दे, मैं काम का तुझे डांटती रहती हूँ। आज इन लोगों ने फिर से साबित कर दिया है कि इन लोगों के मुकाबले तू तो देवी है, देवी बेटा। तो बड़ा मैं। आज बहुत ही अनोखी जोड़ी है। नहीं नहीं, हम तो राक्षस हैं, हम तो दानव हैं, हमारा तो तू को सींग निकला हुआ है, तू को दांत बाहर है, ऐसे कप दिना खा लिए है ना? नहीं है तो फिर आपने पापा जी को क्यों डराया धमकाया पापा? ए बेटा, हम तुम्हारे ससुर जी को काहे डराएंगे धमकाएंगे? अरे वो ठहरे लड़का वाले, हम ठहरे लड़की वाले, हम तो खाली अपने होने वाले साले को हड़का रहे थे कि देखो इंतजाम ठीक से होना चाहिए, काहे कि हम ठहरे लड़का वाले और वो ठहरा लड़की वाले। लेकिन आपने उन्हें क्यों हड़काया पापा? अरे बेटा, वो बकथोथर रीति रिवाज ठीक से समझ नहीं रहा था। क्योंकि पापा जी इंसान नहीं है। अरे मम्मी बोल दो ना, भगवान जैसे हैं, मैं इनका ध्यान भी हटा देता हूँ।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.